दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात कहनी है। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टोटली टैंक को किस तरह से किस स्टेप में आपको पेंटिंग करनी होती है ये सारी की सारी स्टेप इसमें मैंने बताई है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जो पुराने वाली पेंट करने के पहले वाली टंकी होती है किस तरह से दिखाई देती है। पहली स्टेप क्या होती है दोस्तों, जो पुराना वाला स्टिकर होता है उसको रिमूव करना होता है। उसको रिमूव करने के लिए हमें एक मेटेलिक स्ट्रिप लगेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो उस तरह से, एंड उसके बाद हॉट गन लगेगी। हॉट गन से उसको हिट करना होगा और उसके बाद आपको स्टिकर को निकालना होगा। स्टिकर को निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि टंकी के ऊपर मेजर डेंट्स हैं, उस डेंट्स को रिमूव करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से, किस मेथड से हम उस डेंट को रिमूव कर रहे हैं। ओके दोस्तों, पहले तो अंदर से आपको रॉड डालना पड़ेगा और जिस जगह पे डेंट है उस जगह पे अंदर से प्रेशर डालना पड़ेगा और उसके बाद उसके ऊपर बाहर से स्ट्राइक करना पड़ेगा, उससे जो पुराना वाला शेप होता है टंकी को वो आ जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद वाली स्टेप होती है जो पुराना वाला मटेरियल होता है टंकी के ऊपर, जो कलर होता है, ओके दोस्तों, उसको रिमूव करना होगा। क्योंकि अगर इसी के ऊपर हमें बॉडी फिलर मटेरियल फिल करेंगे तो जो ग्रिप होती है, ओके दोस्तों, बॉडी फिलर मटेरियल की यानी कि पुट्टी की, वो अच्छी तरह से नहीं आएगी। ओके दोस्तों, इसीलिए आपको जो पुराना वाला कलर होता है उसको रिमूव करना होगा। वो दोस्तों, उसके लिए हम सिंपली ग्राइंडर यूज करते हैं। एंड हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज है, ग्राइंडिंग करते समय ध्यान में रखने वाली चीज, आपको सेफ्टी गॉगल्स पहनना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं पहनोगे तो आपके आँख में ये जो मटेरियल होता है वो आपके आँख में जा सकता है। ओके दोस्तों, उसके बाद वाली स्टेज होती है जिस जगह पे गड्ढे होते हैं उस जगह पे हमें पुट्टी फिलअप करना होता है। ओके दोस्तों, और उसके बाद लेवलिंग करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हम पुट्टी को फिलअप करते हैं। उसके लिए हमने नेसन कंपनी की पुट्टी यूज़ की है और उसमें हार्डनर मिला है। हार्डनर मिला के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पे आप देख सकते हो जिस जिस जगह पे डेंट होते हैं उस जगह पे हमें वो बॉडी फिलर मटेरियल फिल करना होता है। फिल करने के बाद जिस जगह पे एक्स्ट्रा बॉडी फिलर मटेरियल आया होता है, ओके दोस्तों, उसको भी हमें सैंडिंग पेपर के मदद से उसको उस जगह से रिमूव करके अच्छी तरह से फिनिशिंग देनी होती है टंकी को। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी फिलर मटेरियल फिल करने की मेथड किस तरह से है। ओके, फिल करते समय आपको अच्छी तरह से शेप में फिल करना होगा। अगर आप उस शेप में नहीं फिल करोगे तो आपको बाद में ज़्यादा दिक्कत आएगी उसको घिसने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे कि जो मटेरियल फिल किया है उसको एक्सेसिव हो गया है उसके ऊपर, उसको कम करने के लिए और उस बॉडी शेप में लाने के लिए हमें उसके ऊपर सैंडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से सैंडिंग हो रही है। उसके बाद वाली स्टेज होती है दोस्तों कि उसके ऊपर वाटर पेपर अप्लाई कर देना, जैसे कि जो पुराना वाला कलर होता है उसमें जो स्क्रैचेस आते हैं उसको, स्क्रैचेस को रिमूव करना, एंड जो पुराना वाला कलर खराब हो गया होता है उसको भी रिमूव करना। इसीलिए हम उसके ऊपर वाटर पेपर अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद वाली स्टेज होती है दोस्तों कि उसके ऊपर रेड ऑक्साइड अप्लाई कर देना, रेड ऑक्साइड का स्प्रे अप्लाई कर देना। रेड ऑक्साइड का जो वर्क होता है वो ये होता है जो टंकी होती है उसको रस्टी होने से बचाता है दोस्तों। अगर रेड ऑक्साइड अप्लाई नहीं करोगे तो अंदर से बबल्स आएंगे। उसके बाद उसके ऊपर लांबे अप्लाई कर देते हैं। जो लांबी होती है उसके पार्टिकल्स स्मॉल स्मॉल होते हैं, इसीलिए वो टंकी को कलर मारने से पहले स्मूथनेस देता है। जो एक्स्ट्रा लंबी फिल हुई होती है उसके ऊपर वाटर पेपर अप्लाई करके हमें वो जो एक्स्ट्रा लंबी है उसको रिमूव करना होता है। देखिए दोस्तों, हमने एक ना एक स्टेप पेंटिंग की बताई है, इसीलिए आपको वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके दोस्तों, आप देखेंगे जो पेंटिंग की स्टेप होती है, ओके दोस्तों, ये तो फाइनल स्टेप है। दोस्तों, पेंटिंग करते समय ध्यान में रखने वाली चीज़, जो पेंटिंग का सरफेस है उसके ऊपर किसी भी मात्रा में, स्मॉल अमाउंट भी उसके ऊपर ऑयलीनेस नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, ऑयलीनेस होगा तो पेंट अच्छी तरह से नहीं बिटेगा।
और उसके ऊपर डर्ट डस्ट भी नहीं होने चाहिए, अगर वो रहेगी तो फिनिशिंग नहीं अच्छी आएगी। उसके ऊपर वो जो पार्टिकल्स होंगे वो वैसे के वैसे ही दिखाई देगी। ओके दोस्तों, जब आप कलर करते हो तो पहले स्टेप में आपको अंदर वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर कलर करना पड़ेगा और उसके बाद टंकी के ऊपर की साइड पेंट करनी पड़ेगी। पेंट करते समय ध्यान में रखने वाली चीज़, पहले आपको हल्का हाथ मारना पड़ेगा कलर का और उसके बाद फिनिशिंग निकालनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वर्कर है किस तरह से फिनिशिंग निकाल रहा है। कलर मारने के बाद आपको टंकी दिखाई दे रही होगी कि जो नई टंकी है उसके जैसे आपको दिखाई दे रही है। ओके, इसके बाद वाली स्टेप होती है, वाली स्टेज होती है दोस्तों कि उसके ऊपर ग्राफिक्स लगाना, जो टंकी होती है उसके ऊपर। दोस्तों अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की, वहाँ पे आके मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली ये स्टिकर कुरियर कर दूंगा। ओके दोस्तों, स्टिकर लगाते समय ध्यान में रखने वाली चीज़ ये होती है कि आपको एग्जैक्टली पोजिशन स्टिकर की फाइंड आउट करना होता है कि टंकी के ऊपर किस जगह पे आपको स्टिकर लगाना है। स्टिकर लगाने के बाद दोस्तों उसमें स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ बबल्स आती है, उसको रिमूव करने के लिए आपको हॉट गन से थोड़ा हीट करना पड़ेगा और उसके बाद वो बबल्स निकल जाएंगे। बाद वाली स्टेप होती है कि उसके ऊपर क्लियर कोट अप्लाई कर देना। क्लियर कोट इसलिए अप्लाई कर देते हैं, जो स्टिकर होता है दोस्तों उसके ऊपर नई जैसी लुक लाता है ये क्लियर कोट। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से वो अप्लाई कर देने के बाद टंकी की शाइनिंग बढ़ जाती है जैसे कि नई टंकी हो। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टंकी कलर हो जाने के बाद किस तरह से न्यू शाइनी दिखाई देती है।